आजकल खुद के आसपास और सोशल मीडिया में देखने के बाद ऐसा लगता है पढ़ाई करने से बहुत ही बेहतर है एक फूड स्टॉल खोलना। आजकल ऐसा लगता है फूड स्टॉल खोलने के लिए FSSAI लाइसेंस के साथ साथ डिग्री होना भी कंपलसरी है। आजकल हर एक जगह में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाला फूड स्टॉल खोल के बैठा हुआ है और MBA चाय वाला के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ गया। BTech पानीपुरी वाला, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट लस्सी वाला और ऐसे ही पता नहीं कितने लोग फूड स्टॉल खोल के बैठा हुआ है। इसमें से कोई अपने डिग्री के वजह से फेमस है, कोई अपने हाइजीन के वजह से और कोई अपने एक्टिंग स्किल के वजह से। रीजन चाहे जो भी हो, इन लोगों का बारे में सुनकर और सोशल मीडिया में इन लोगों का वीडियो देखकर आपको भी शायद ऐसा लगता होगा कि पढ़ाई करके क्या ही होगा, उससे अच्छा मैं भी एक फूड स्टॉल खोल के बैठ जाता हूँ। कुछ लोगों के लिए वेस्ट ऑफ डिग्री और कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन, और बात यहाँ पर सिर्फ डिग्री वाला फूड स्टॉल का नहीं हो रहा है। कुछ स्ट्रीट वेंडर जो अपने स्टाइल के वजह से जाना जाता है और इन लोगों का असर यंग जनरेशन में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है और आने वाला टाइम में ये इंस्पिरेशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इस तरह का वीडियो को देखकर आप शायद इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो क्योंकि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो, लेकिन अनलिमिटेड डाटा और हद से ज्यादा फ्री टाइम होने की वजह से बहुत यंगस्टर और स्टूडेंट ऐसा भी है जो ये सब देखकर इंस्पायर होकर इस काम को ही खुद का एम बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात ये है, इन लोगों को आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो या इंस्पिरेशन बोलो, लेकिन इन लोगों को कोई अपना रोल मॉडल तो नहीं बनाना चाहेगा। हम लोगों का जनरेशन में APJ अब्दुल कलाम, रोटन टाटा, इलोन मस्क जैसा रोल मॉडल हुआ करते थे, लेकिन आजकल का जनरेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अगर किसी का रोल मॉडल इस तरह का छपरी है तो मैं इसमें क्या ही बोलूं। इस तरह का एम्बिशन आजकल का जनरेशन का एबिलिटी और स्किल्स को छोटा बना रहा है। देखिए दोस्तों, फूड स्टॉल खोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी अगर खुद का माइंडसेट को इस काम में ही लिमिटेड कर लेता है तो सोसाइटी में बाकी रिपोर्टेड प्रोफेशन कौन करेगा? जैसा कि सिविल इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, CA, पायलट, टीचर, ये सब के लिए कौन इंस्पायर होगा? अगर स्टॉल खोल के इतना पैसा कमाया जा सकता है तो यंग जनरेशन का तो ये पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। तो अभी आप खुद सोचो, क्यों कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा स्कूल या कॉलेज जाने में और क्यों ही पढ़ाई करेगा? कुछ टाइम पहले सोसाइटी में एक नया ट्रेंड चल रहा था कि खुद का पैशन को फॉलो करो, लेकिन आजकल का सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि फूड स्टॉल खोलना ही नया ट्रेंड बन चुका है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आजकल का नया जनरेशन के पास पुराना जनरेशन के मुकाबले ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा सुविधा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा आइडिया है, पोटेंशियल का कमी नहीं है। बस आजकल का लोगों का एम्बिशन खत्म हो रहा है। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपका ये बिना एम्बिशन और बिना एम वाला लाइफ आपका फ्यूचर को 100% अंधेरा में डाल देगा। आजकल का सोसाइटी को अगर आप एक क्लासरूम का नजरिया से देखते हो तो क्लासरूम में काफी तरह का स्टूडेंट होता है। कोई अच्छा मार्क्स के लिए 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाई करता है और कोई एग्जाम का पहला दिन पढ़ाई करके सिर्फ पास होने से ही खुश हो जाता है, और यहाँ पर दोनों ही अपने अपने जगह में सही है। तब तक जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता है कि उन लोगों का लाइफ का एम क्या है। सब स्टूडेंट सब सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता है, सब स्टूडेंट सब सब्जेक्ट में अच्छा भी नहीं हो सकता है, और इसका पीछे जितना ब्लेम स्टूडेंट का है उतना सोसाइटी का भी। दूसरा कंट्री में स्टूडेंट को कोर्स चूज करने के लिए प्रॉपर करियर काउंसलिंग दिया जाता है, उन लोगों का पैशन के हिसाब से उन लोगों को कोर्स चूज करने दिया जाता है। जो लोग ड्राइंग में इंटरेस्टेड होता है उन लोगों के लिए BFA, जिन लोगों को नेचर पसंद है उन लोगों के लिए BSc फॉरेस्ट्री, जिन लोगों को ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए साइकोलॉजी। लेकिन हम लोगों का सोसाइटी में हजार कोर्स और प्रोफेशन को इग्नोर करके सब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। जो कोर्स सभी कर रहा है पेरेंट्स अपना बेटा बेटी को भी उस कोर्स में ही डाल दे रहा है। अगर आप 11 या 12 का स्टूडेंट हो तो जितना टाइम आप इंस्टा या फेसबुक स्टोरी में गाना चूज करने में देते हो उससे भी ज्यादा टाइम खुद का पैशन के हिसाब से खुद का कोर्स को चूज करने में दो। ये छोटा सा काम करने से आपका लाइफ बिना एम्बिशन बिना एम का होने से बच जाएगा। अभी सवाल ये है एम्बिशन किस तरह से बनाऊंगा, तो इसका पहला नियम ये है, सराउंड योरसेल्फ विद एम्बिशन पीपल्स। सोचो आपका रोल मॉडल कौन है और सोचने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खुद का रोल मॉडल को सोच समझकर चूज करना होता है। जब आप एम्बिशन और मोटिवेटेड लोगों के आसपास रहोगे, जब आप उन लोगों को फॉलो करोगे, तब आपके अंदर भी एम्बिशन बिल्ड होगा, आप उन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर अच्छा कुछ कर पाओगे। नंबर 2, एम्स एंड गोल्स। एम्बिशन वाला लोग हमेशा खुद का गोल्स सेट करके रखता है ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर पाए और फालतू का चीजों में टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 3, टेक रिक्स। एम्बिशन वाला लोग रिक्स लेता है, खुद का ऊपर भरोसा रखकर रिक्स लेना सीखो। जब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल बनना शुरू होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पेरेंट्स से एडवाइस लेना अच्छा है, लेकिन खुद को समझने के लिए खुद से अच्छा एडवाइसर कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए खुद का कम्फर्ट जोन से निकलकर थोड़ा रिक्स लेना भी सीखो। नंबर 4, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपका स्किल्स आपका सबसे बड़ा हथियार है और आपका स्किल टायर होने में जब वक्त आप दोगे वही है आपका इन्वेस्टमेंट, इसीलिए खुद का टाइम खुद का ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरा का लाइफस्टाइल, दूसरा का बुरा वाला आपका देखने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस खुद में ध्यान दो, नया कुछ सीखो। क्या सीखोगे?
आपका जो मर्जी, इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी आप अगर फूड स्टॉल में ही एम्बिशन हो, आपका एम अगर फूड स्टॉल खोलना ही है, तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि इस फील्ड में भी आपसे बराबर बहुत डिग्री वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपका एम्बिशन और आपका रोल मॉडल कौन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।